हेलो हेलो हाय गाइस दिस इज योर समीर कोहली सर विद द लेक्चर नंबर टू ऑफ केस स्टडी क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराए थे इसका फर्स्ट पार्ट यूट्यूब पर अपलोडेड है पूसा ऑनलाइन चैनल पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा अब ये क्वेश्चन नंबर सेवन पर मैंने छोड़ा था और बोला था कि मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर सेवन को देख के थोड़ा सा मैं घबरा गया क्योंकि फिगर क्लियर नहीं है फिगर जब क्लियर ना हो तो खुद से फिगर बना लिया करो टेंशन मत लिया करो ये ए ये बी ये सी ये दे रखा है टेन सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है ट्वेल्व ट्वेल्व सेंटीमीटर है मीटर है मीटर है ट्वेल्व मीटर फिगर को ध्यान से देखना दो मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और ये दे रखा है ये तीन एरियाज़ दे रखे हैं ऐसे करके एक ये वाला एरिया दे रखा है एक ये वाला एरिया दे रखा है ये पी क्यू है बच्चे ये आर एस है

ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है एज शोन इन द फिगर व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस लैंड एरिया ऑफ दिस लैंड मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू हाफ बेस दे रखा है बेटा 10 और हाइट दे रखी है बेटा ट्वेल्व ये सही है गया सिक्स टेन जा मीटर स्क्वायर इज द एरिया द एरिया ऑफ दिस लैंड इज 60 मीटर स्क्वायर अगर आप लोग साथ हो तो द एरिया ऑफ आराम से बोल रहा है, से की मांगी गई है जो मुझे नहीं आती है यहाँ मेरी थोड़ी सी हालत टाइट हो रही है तो मैंने थोड़ा सा माता रानी का नाम लिया पूरा ही लूंगा जय माता दी मैंने बोला इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी ध्यान से देखना हमें पी क्यू निकालना है बच्चे एंड ट्राइंगल ए पी क्यू दोनों ट्राइंगल्स देख लो दोनों ट्राइंगल्स को देख लो अगर आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हो तो ए पी क्यू एंड ए बी सी मैं फिर दोबारा पंगे ले रहा हूं अगर साथ हो तो ऊपर वाला ये पिंक है ना पिंक कलर है क्या हमारे पास ये जो ट्राइंगल ए पी क्यू है इस ट्राइंगल को मैं सिमिलर करना चाहता हूं बड़े ट्राइंगल के साथ जो बड़ा ट्राइंगल है वो ए बी सी है एबीसी को मैं कलर नहीं कर रहा तो मैं बोलूंगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए दोनों में है इसको बोलेंगे कॉमन एंगल अगर साथ हो तो एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू एंगल टू लिखूंगा पहले ए बी सी का इज इक्वल्स टू एंगल वन कॉरस पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल आर इक्वल प्रॉपर पूरी लाइन लिखना देर फोर बाय ए एमी लैरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू यह करना तो चाहिए मुझे तो आपको समझाना है तो दोनों क्योंकि सिमिलर आ गए तो इसका ए बी तो इसका ए बी अपॉन इसका एपी इसका एपी बराबर होगा इसका नीचे वाला बी सी अपॉन इसका पी क्यू यहां पर बड़ा रीजन आएगा रेशो रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल अब ए बी पूरा एबी देखूं तो पांच और सात बारह और आठ बीस अपॉन एपी एपी को देखता हूं तो एपी आता है सिर्फ पांच वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ यहाँ पे देख लेना बराबर BC बी सी को देखता हूँ तो आता है टेन अपॉन पी क्यू को देखता हूँ तो पी क्यू मुझे गिवन नहीं है फाइव वन झा फाइव फोर जा टू टू झा टू फाइव हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है पी क्यू ट्वाइस ऑफ पी क्यू बराबर फाइव तो पी क्यू बराबर हो जाएगा फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव मीटर तो पी क्यू इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव मीटर ऑप्शन ए आराम से माता रानी का नाम लो और इस क्वेश्चन को करो थोड़ा सा टफ है

सिमिलरली मगर मैं आपको प्रेजेंटेशन पूरी कराऊंगा सिमिलरली आर एस के लिए मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया अब आपको सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली हो जाएगा सेम सेम मेथड लगेगा same तरीका अगर साथ हो तो सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए आर एस जैसे ही दोनों सिमिलर हुए तो एबीसी का ए बी अपॉन ए आर एस का ए आर बराबर आ जाएगा ए बी सी का बी सी बराबर जैसा चल रहा है ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है ए बी दे रखा था ट्वेंटी ए आर ए आर दे रखा है सात और पांच बारह बी सी दे रखा है टेन अपॉन आर एस हमें निकालना है तो क्लास बोलेगी आराम से जीरो से जीरो गया और टू वन झा टू सिक्स आर एस उधर आ जाएगा और ये सिक्स इधर आ जाएगा आर एक्स इज इक सिक्स मीटर्स आर एस की वैल्यू आ रही है सिक्स मीटर्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है आई होप कि मैं समझा भी पाया हूँ दिस इज क्वाइट गुड अच्छा क्वेश्चन है जब हम क्लास ले रहे होते हैं देर इज सो मेनी लाइट्स आंखों में डलती है ना बहुत एफर्ट्स जाते हैं बेटा ये सब लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने में विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी और अगर यूट्यूब पर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है तो थोड़ा सा इस चीज की कदर जरूर करना अगला बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू एपी क्यू का एरिया बोल रहा है मैं मैं और तरीके से निकाल सकता हूं देखता हूं अभी क्या करने वाला हूं मैं एपी क्यू का एरिया निकालना है मुझे इस वाले ट्राइंगल का एरिया तो मैं बोलूंगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू हमने अभी अभी करा है तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए पी क्यू बराबर होगा ए बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर लग रही है एरिया थ्योरम एक बार चेक कर लेना इस साल कोर्स में आ रही है या नहीं आ रही है एरिया ऑफ एबीसी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला का स्क्वायर अपॉन एपी स्क्वायर एपी इज फाइव का स्क्वायर एरिया एरिया थ्योरम लिखा है आप लिखोगे रेशियो ऑफ एरिया कहा यूज होता है तो 60 अपॉन एरिया ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी अप ऑन फाइव इंटू फाइव सबसे पहले जीरो से जीरो उड़ा दिया फाइव वन झा फाइव फोर झा अगर सात हो तो अब क्लास क्या बोलेगी फोर टू झे टू वन झा टू थ्री झा चला गया उधर फाइव थ्री झा फिफ्टीन एरिया ऑफ पी क्यू तो एरिया ऑफ ए पी क्यू मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कितना खतरनाक आंसर आ रहा है तो थ्री पॉइंट सेवन फाइव आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन देखो बंदा भी मारेगा ना तो ये सोचेगा एरिया डेसिमल में शायद ना आए ये तुक्के वाला क्वेश्चन नहीं था इसको ध्यान से देखने वाली जरूरत थी आई होप की मैं ये समझा पाया हूँ आगे तब बढ़ना जब लेक्चर का ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया हो अगला क्वेश्चन देखो आराम से मैंने आपको एक दिन का टाइम दिया था पूरा देर एग्जिस्ट टावर इन द नियर नियर हाउस ऑफ ऑफ शंकर द द टॉप टावर ए बी द टॉप ऑफ द टावर ए बी इज टाइड विद स्टील वायर ऑन द ग्राउंड ठीक है जी इट इज टाइड विद स्ट्रिंग सपोर्ट वन डे शंकर ट्राई टू मेजर द लॉन्गेस्ट वायर ए सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अच्छा वर्ड बोला पाइथागोरस थ्योरम ठीक है ए सी की लेंथ निकालनी है इन द फिगर इज द लेंथ ऑफ द वायर ए सी इन द फिगर द लेंथ ऑफ वायर AC इज BC हमें दे रखा है 60 BC हमें दे रखा है 60 गाइस ध्यान से देख लीजिएगा अपने को ये तो दे रखा है 80 80 और ये दे रखा है 60 और अपने को निकालना है AC तो आराम से निकल जाएगा बड़ी चीज नहीं है इन राइट ट्रायंगल ABC AB2 BC2 AC2 मैं यहां लिख रहा हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम बट आप प्लीज लिखना इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस ए बी इज स्क्नियक्टी का स्क्वायर प्लस सिक्सटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज सिक्स फोर डबल जीरो प्लस थ्री सिक्स डबल जीरो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थाउजेंड ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हंड्रेड का स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू हंड्रेड फीट आपकी AC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हंड्रेड फीट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन अगर साथ हो तो, क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री दे रखा है तो बराबर होगा हाफ बेस हो जाएगा BC इन टू हाइट हो जाएगी ए बी हाफ बेस दे रखा है सिक्सटी हाइट दे रखी है एनजा टू थर्टीजा एट थ्री मीटर स्क्वायर आंसर इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड फीट ध्यान दे लीजिएगा दिस इज वेरी सिंपल और लंबा नहीं है अगला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर पीसी हमसे मांगी गई है ये वाली लेंथ ऑफ द वायर ध्यान से अगर साथ हो तो ये 20 फीट हमें पता नहीं कैसे ऊपर दे रखा है कुछ वैल्यूज दे रखी है अपने को ये ट्वेंटी फीट दे रखा है ये फिफ्टीन फीट दे रखा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो तो हमें ये वाली निकालनी है तो हम करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू सी पी क्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर पी क्यू स्क्स ट्वेंटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर मुझे लग नहीं रहा कि मेरा आंसर ठीक आएगा इसका पता नहीं क्यों ये आएगा टू ट्वेंटी फाइव प्लस चार इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर पी सी स्क्वायर लिखोगे यहां पे सेम डू टू क्यों क्योंकि ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम लगी है नीचे भी पाइथागोरस थ्योरम लगी है कई बार जोश में जल्दबाजी में हम प्रोटोकॉल भूल जाते हैं स्टेप्स भूल जाते हैं सिक्स ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू पीसी स्क्वायर पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव फीट बी इज द ऑप्शन बड़ी अच्छी बात यह है कि इनके जो एरियाज हैं इनके जो आंसर हैं वो ठीक आ रहे हैं आमतौर पर जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके आंसर्स ठीक नहीं होते ऐसा मैंने नोट किया है ऐसा मैंने नोट किया है बाकी मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता इस बारे में अगर क्लास सात है तो अगला आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओसी हाफ बेस बेस बराबर होगा ओसी अच्छा ओ है ये ओ इनटू पीओ तो हाफ इनटू ट्वेंटी इनटू फिफ्टीन ये जाएगा ओ ओ कुछ ना कुछ लगा ही रहता भाई है भाई ये कंप्यूटर वाला हर किसी को पैसा चाहिए टू वनजा टू टेनजा वन फिफ्टी फीट 150 स्क्वायर फीट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ये आपका आंसर है दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन ये करने के बाद हम आते हैं सवाल नंबर नाइन पे एवरीथिंग इज फाइन इफ यू कैन डू सवाल नंबर नाइन विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द टावर नियर हिज हाउस ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ओके द हाइट ऑफ विजय इज हाउस इज ट्वेंटी मीटर विजय हाउस कास्ट शेडो टेन मीटर लॉन्ग देखना विजय का जो हाउस है वो ट्वेंटी मीटर है, है, है और शेडो कास्ट करता है टेन मीटर की ध्यान से देख लेना दिस इज अबाउट ए बी सी हमारा भी एक बहुत बहुत कंजूस दोस्त है विजय अगला ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम द टावर कास्ट शेडो ऑफ फिफ्टी मीटर लॉन्ग जो टावर है जो टावर है उसकी शेडो फिफ्टी मीटर लॉन्ग है ओके okay जी शेडो बनती है सन की वजह से और सन सबके लिए सेम एलिवेशन पे होता है अमीर गरीब ऊंचा नीचा गोरा काला सिर्फ इंसानों ने बनाया है भगवान ने कुदरत ने अपनी जो भी चीज दी है सबको बराबर दी है आप भले ही करोड़ों पति हो आप भले ही जितने गरीब और शायद बच्चों को ये बात अजीब लग रही होगी बट नेचर ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि अमीरों की ऑक्सीजन भगवान अलग दे रहा है और गरीबों की ऑक्सीजन अलग दे रहा है हाँ, इंसानों के हाथ में जब ये सब चीजें आ जाती हैं तो इंसान उनका बंटवारा और उन उनप कब्जा और उन उनपे पता नहीं क्या क्या करते हैं तो कोशिश करो बेहतर इंसान बनो बेहतर इंसान बनने के लिए बेहतर पढ़ाई लो अगर अच्छी पढ़ाई लोगे तो बहुत फायदा होगा तो सन का एलिवेशन सेम होता है सेम टाइम पे अगर 12 बजे मेरे सर के ऊपर सन है तो आपके भी सर के ऊपर ही सन होगा आगे एट द सेम टाइम टावर कास्ट ऑफ शेडो फिफ्टी मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम द हाउस ऑफ अजय कास्ट ऑफ शेडो ट्वेंटी मीटर ऑन एक और बंदा है अजय जिसके घर की शेडो ट्वेंटी मीटर है अजय वाला ले लो डी एफ -E ओके जी ध्यान देना आगे वट इज द हाइट ऑफ द टावर सबसे पहले एक बार बस पंगे लूंगा एक बार पंगे लेना बनता भी है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर देख लीजिएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर ये लिखना जरूर सन्स एलिवेशन इज सेम फॉर ऑल थिंग्स एट सेम टाइम सेम समय पर सन का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यूच नाइंटी डिग्री देर फोर बाय अगर साथ हो तो ए एंगल ए बी सीमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर आए दिसका ए बी ए बी अपॉन उसका पी क्यू बराबर होगा इसका बी सी अपॉन उसका क्यू आर थोड़ा आलस मत करना हम आलस कर बैठते हैं कई बार यहां लिखोगे रेशियो ऑफ कॉरेस्पोंडिंग रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल अब आती है बात ए बी की विजय के हाउस की लेंथ है ट्वेंटी अपॉन पी क्यू PQ अपने को नहीं दे रखा PQ क्यू इज इक्वल टू बी सी बी सी दे रखा है, 10, upon QR दे रखा है 50. 0 से 0 गया। ये उधर आ आ जाएगा, जाएगा। जाएगा इधर बराबर हाइट ऑफ द टावर इज हंड्रेड मीटर द हाइट ऑफ द टावर इज हंड्रेड मीटर ऑप्शन सी वट विथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर वेन विजेज हाउस कास्टो ऑफ ट्वेल्व ट्वेल्व मीटर अगर विजय के विजय का हाउस 12 मीटर की शेडो करेगा तो उस समय यह क्या शेडो करेगा अब जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को समझना। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्योंकि बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा हमेशा ए बी अपॉन पी क्यू के ए बी हाइट ऑफ द हाउस है जो सेम रहेगी पी क्यू हाइट ऑफ द टावर है जो सेम रहेगी शेडो है जो कम ज्यादा होगी अगर शेडो 12 मीटर हो उसने बोला अगर विजय के घर की शेडो 12 हो तो हमारे टावर की शेडो कितनी हो जाएगी टावर की शेडो क्यू आर बराबर AB की तो 20 है और पी क्यू की हमने अभी 100 निकाली है ट्वेंटी फाइव फाइव उधर आ जाएगा क्यू आर बराबर आ जाएगा सिक्सटी मीटर क्यू आर विल बी सिक्सटी मीटर ये क्वेश्चन अच्छा था समझने की जरूरत थी आगे वट विल बी द हाइट ऑफ अजेज हाउस वट विल बी द हाइट ऑफ अजे हाउस तो सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीई एफ क्योंकि जैसे ये और यह सिमिलर हुए हैं फर्स्ट और सेकेंड ट्राइंगल वैसे ही फर्स्ट ट्राइंगल इज ऑल्सो सिमिलर टू थर्ड ट्राइंगल ये आपको करने की जरूरत नहीं है बस इतना लिख देना तो ए बी अप ऑन डी ई बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ ये पहले वाला है और सेम रीजन लग रहा है इसलिए लिखेंगे डू सेम रीजन लग रहा है इसलिए लिखेंगे ले ले वाला लेंगे टेन अप ई एफ दे रखा है ट्वेंटी टेन वन झा टेन टू झा ये उधर आ जाएगा ये उधर आ जाएगा डीई बराबर हो जाएगा ट्वेंटी इंटू टू फोर्टी मीटर्स द हाइट ऑफ अजेज हाउस इज फोर्टी मीटर्स अगला टावर कास्ट द शेडो ऑफ फोर्टी मीटर सेम टाइम विल बी दाउस अगर ये फोर्टी हो जाए तो अजय की हाउस की शेडो निकालो अजय के हाउस की शेडो निकालो अजय का हाउस तो आ गया अब फोर्टी मीटर का तो अब मैं थोड़ा सा गंदे तरीके से जा रहा हूँ बट आप प्रॉपर देखना हाइट हंड्रेड अपॉन फोर्टी ये तो फिक्स है बराबर अगर इसकी शेडो फोर्टी है तो इसकी शेडो ले लोग आप एक्स अब ये करोगे तो जीरो से जीरो गया एक जीरो से ये जीरो गया क्लास बोलेगी फोर फोर एक्स बराबर हो जाएगा सोलह सोलह मीटर इज़ द शेडो जब शेडो दिन भर चेंज कम या ज़्यादा होती रहती है कहीं दिक्कत हो रिवाइंड करके एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लेना कोई हाई तोहबा नहीं है बट करना ढंग से दिस वाज गुड इंपॉर्टेंट था अगला टू ब्रदर्स रमेश एंड पुलकित वर एट होम एंड टू रीच द स्कूल रमेश वेंट टू द लाइब्रेरी फर्स्ट टू रिटर्न द बुक एंड देन रीच इज द स्कूल डायरेक्टली वेराट पार्क टू मीट हिस्स रीच एज स्कूल डायरेक्टली मामला थोड़ा सा टेढ़ा है तो सबसे पहले क्या हुआ है अब होम से जो सुरे दोबारा देखते हैं रमेश वेंट टू रिटर्न अ बुक टू लाइब्रेरी रमेश बाबू गए पहले लाइब्रेरी वहां से गए स्कूल और जो दूसरे वाले बाबू जी हैं हमारे जो दूसरे वाले हैं वो कहा गए पुलकित वेंट टू तो टू द स्टेट पार्क स्केट पार्क स्केट तो मीट हिज फ्रेंड तो वो वहां से होम से स्केट पार्क गया वहां से फिर स्कूल पहुंचा ये सेम लाइन नहीं है सो हाउ फार इज स्कूल फ्रॉम देयर होम स्कूल और होम का डिफरेंस बताना है डिस्टेंस होम और स्कूल का डिस्टेंस होम और स्कूल सबसे पहले होम के कोऑर्डिनेट्स देखो अगर होम के कोऑर्डिनेट्स सही दे रखे हों तो ये आ रहा है फोर होम के कोऑर्डिनेट्स हैं फोर कॉमा फाइव और स्कूल के कोऑर्डिनेट्स देखो स्कूल के कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो वो आ रहे हैं स्कूल के कोऑर्डिनेट्स आर फोर कॉमा टू तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन फोर माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री का स्क्वायर अंडर में जीरो का स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव था टू माइनस फाइव इज कैलकुलेशन आगे चल रही होती है ना जीरो प्लस बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अगर क्लास सात है तो वट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रमेश इन रीचिंग द स्कूल ये तगड़ा है बाबा ये तगड़ा है रमेश बाबू पहले कहां गए रमेश बाबू गए पहले होम से लाइब्रेरी फिर लाइब्रेरी से स्कूल गए तो कितना एक्स्ट्रा गए जाना तो चाहिए तीन मीटर एक्स्ट्रा कितने गए तो सबसे पहले हम निकालेंगे होम और लाइब्रेरी का डिस्टेंस फिर निकालेंगे लाइब्रेरी और स्कूल का डिस्टेंस फिर निकालेंगे टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने ट्रैवल करा अब होम और लाइब्रेरी होम के कोऑर्डिनेट्स है 4.5 और लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट्स है 0.3। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो होम और लाइब्रेरी का डिस्टेंस है अंडर रूट में फोर कॉमा फाइव है ना फोर माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री का स्क्वायर अंडर रूट में फोर का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर अंडर रूट में सोलह प्लस चार रूट में ट्वेंटी रूट में ट्वेंटी का मतलब हुआ टू इंटू टू इंटू फाइव मतलब टू रूट फाइव ये तो हुआ होम और लाइब्रेरी का डिस्टेंस अब निकालेंगे लाइब्रेरी और स्कूल का डिस्टेंस लाइब्रेरी और स्कूल का डिस्टेंस निकालने के लिए स्कूल के कोऑर्डिनेट्स थे फोर कॉमा टू तो क्लास बोलेगी अंडर अंडरवुड में फोर माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस स्क्स का होल स्क्वायर स्क्वायर अंडर में स्क्स वन का स्क्वायर अंडर अंडरवुड में सोलह प्लस एक अंडरवुड में सत्रह ये थोड़ा सा अंडर अंडर अंडरवुड आ रहा है बट घबराने की जरूरत नहीं है आराम से करेंगे हम इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड अगर यूज करो तो अंडर अंडरवुड वगैरह सॉल्व हो सकता है इट्स नॉट अ बिग डील ध्यान दीजिएगा रूट फाइव की जो वैल्यू होती है मैं देख रहा हूं आई एम टेकिंग द यूज ऑफ अ कैलकुलेटर अंडर रूट फाइव इज इक्वल्स टू इन टू फोर टू ये तो आ गया फोर पॉइंट फोर सेवन फोर पॉइंट फोर एट लेते हैं अप्रोक्सीमेटली और अंडर रूट सेवनटीन अंडर रूट सेवनटीन की जब बात करेंगे हम दैट विल बी कैंसिल करो अंडर रूट 17 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.12 4.12 दोनों को ऐड करो 4.12 को 4 4.12 प्लस 4.48 4.48 माइनस ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 8.492 मतलब 8.5 आ रहा है टोटल डिस्टेंस 8.5 डिस्टेंस आ रहा है जब वो होम से लाइब्रेरी गया और लाइब्रेरी से स्कूल गया जबकि स्कूल और वहां का डिस्टेंस था सिर्फ तीन तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ही हैड टू ट्रेवल एक्स्ट्रा डिस्टेंस बराबर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस माइनस एक्चुअल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस इज 8.5 माइनस 3 दैट इज 5.5 एप्रोक्सीमेटली आ रहा है मेरा 5 तो कहीं से भी नहीं आ रहा उनका ऑप्शन आ रहा है सी चलो सही है कहीं पर हम एक्स्ट्रा फंसे हैं ये इनका आंसर आ रहा है सी मेरा आंसर यहाँ पे गलत तो नहीं आ रहा मेरा तो गलत नहीं आ रहा आई एम क्वाइट श्योर मैं इसको लेकर परेशान तो नहीं हूँ मैं अपने आप को लेकर इसमें ठीक हूं अगर कहीं मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलकित बाय पुलकित इन रीचिंग द स्कूल तो पुलकित ने भी क्या करा पहले होम से स्केट पार्क गया स्केट पार्क से स्कूल गया तो ये टी और ये टी निकालना और टोटल उस तीन में से माइनस कर देना अब वो बोल रहा है द लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी लाइब्रेरी वाई एक्सेस पे है तो जीरो कॉमा थ्री इन्होंने दे ही नहीं रखी लाइब्रेरी की लोकेशन या तो इन्होंने लाइब्रेरी की लो ओहो गलती हुई है हमसे हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है हमने लाइब्रेरी को वाई एक्सेस पे ले लिया जबकि लाइब्रेरी की लोकेशन ये थी ये थी मैंने एक्सेस पे ले लिया तो माइनस वन कामा थ्री थी इसी वजह से मेरे सारे आंसर्स गलत आए हैं आप एक बार इन कैलकुलेशंस को ठीक कर लेना द लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी इज माइनस वन कॉमा थ्री ऑप्शन ए द लोकेशन ऑफ होम होम की लोकेशन जो है वो चार और पाँच है तो फोर कॉमा फाइव ये सही है यहाँ पर हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई क्योंकि हमने लाइब्रेरी की लोकेशन गलत लगा ली थी एक बार आप ठीक लगाकर आंसर निकाल लीजिएगा मैंने निकाल दिया एक्सिस के हिसाब से वो एक्सिस से उधर था फिगर थोड़ी क्लियर नहीं थी

दोनों मीटर में इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट स्पीड ऑफ वन पॉइंट टू मीटर ऑफ़ द शेडो सी सी शेडो है डी ई शेडो है बिल्कुल शेडो है विच ऑफ दाइन सेगमेंट शोज देंथ ऑफ द शेडो सी डी सी डी सी डी है तो इसके ऑप्शन सी बोला हुआ

बेस दे रखा है बेटा ट्वेंटी इंटू हाइट दे रखी है फिफ्टीन टू वन झा टू टेन स्कूल और बीस साठ मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दीमी बाई चांस एक हल्का क्वेश्चन आ गया बट वो जो पहले वाला क्वेश्चन था जो भी मैं कराऊंगा या तो इसी वीडियो में करा दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा वो क्वेश्चन अच्छा है वो सेंटीमीटर मीटर वाला ध्यान से अगला क्वेश्चन नंबर तरह टू प्रमोट कोई बाई क्लासोमोडेशन वॉज प्लांट इन टीचर डिवाइडेंट इन टू ग्रुप ग्रुप फोर स्टूडेंट वर गिडर ऑफ रेडियस रेडियस सेवन मीटर एंड कैनवस एरिया एरिया मीटर स्क्वायर, इन विच वन स्क्वायर मीटर यूज इन स्टिचिंग ऑन वेस्टिंग, एक मीटर स्क्वायर वेस्टेज में चला जाएगा तो 550 मीटर स्क्वायर एरिया का टेंट बनाना एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट मांगा गया हमसे और आगे मेरे से कुछ मिस तो नहीं हो रहा कुछ भी नहीं मिस हो रहा क्लास बोलेगी के कोनिकल टेंट कर्ड सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है PRL, अगर आपको याद हो तो हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट निकालनी है भाई पाई आर एल जो क्र सर्फेस एरिया जहां पे कपड़ा लगा एक्चुअली में यहाँ यहाँ पे वो बराबर है 550 के क्योंकि एक मीटर स्क्वायर तो वेस्ट स्क्वायन इंटू सेवन इन टू एल बराबर आ गया फाइव फाइव जीरो के सेवन से सेवन गया इलेवन टू झावन के टेबल में फिफ्टी टू वन सा ट्वेंटी स्लॉट हाइट बराबर आ गई ट्वेंटी फाइव मीटर उन्होंने हाइट नहीं मांगी

जब उनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो अभी एक बार देख लेते हैं फाइव फिफ्टी वन इन टू सेवन इज इक्वल टू थ्री एट सेवन फाइव जीरो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्योंकि भले ही एक हुआ, बट कपड़ा तो लगा है ना कपड़ा तो लगा है दर्जी भले ही कपड़ा कम लगाते हो उसमें जब कपड़ा बनता है तो उसमें कपड़ा कम मिलता है क्योंकि बाकी कपड़ा वेस्टेज में जाता है तो जब आप खरीदते हो तो वेस्टेज वाले कपड़े का भी आपको प्राइस देना पड़ता है अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे

सबसे पहले इनको ट्रू क्लास इंटरवल करने के लिए लोअर लिमिट में से पॉइंट फाइव माइनस अपर लिमिट में पॉइंट फाइव प्लस लोअर लिमिट में से पॉइंट अपर लिमिट में से फाँग 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 प्लस ध्यान चलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहली गलती है जो आपको वहीं पे खत्म कर देगी ये याद रख लेना अगला थर्टी फोर पॉइंट फाइव से लेकर थर्टी नाइन पॉइंट फाइव थर्टी नाइन पॉइंट फाइव से लेकर 44.5 44.5 से लेकर 49.5 और 49.5 से लेकर 54.5 और 54.5 से लेकर 59.5 और 59.5 एंड 59 अबव।, अबव अबव की कोई लिमिट नहीं दे रखी सबसे पहले मैंने अपने इंटरवल को ट्रू क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करा 62 132 96 37 क्लियर बनाना तेरह आठ छ चार चार और तीन वगैरह मीडियम क्लास ऑफ द अब डेटा मीडियम क्लास बोला है तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिसिपेंट दे रखा है फ्रीक्वेंसी से हमें हमेंटिव uh, फ्रीक्वेंसी तो भैया निकालनी पड़ेगी पड़ेगी तो 62 टू 62 ध्यान देगी क्लास 62 टू प्लस 132, 132 इज ईक्वल्स टू 194 194 ध्यान देना कोई जल्दबाजी मत करना 194 प्लस 96 96 इज इक्वल्स टू 290 290 प्लस 37 37 इज इक्वल्स टू 327 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 340 प्लस ज इक्ल्स टू थ्री फोर्टी एट थ्री फोर्टी एट प्लस छव टू थ्री फिफ्टी फोर प्लस एट थ्री फिफ्टी एट थ्री टू इफ आई एम नॉट रॉन्ग और ये आ जाएगा थ्री टोटल थ्री सिक्सटी फाइव आ रहा है नंबर ऑफ आइटम्स जो आ रही हैं वो थ्री सिक्सटी फाइव आ रही हैं, थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू आ रहा है n अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 182.5 आ रहा है तो 182.5 जो होगा वो इस क्लास इंटरवल में होगा तो इसकी जो मीडियन क्लास होगी वो ये होगी तो मीडियन क्लास ऑफ द अबव डाटा इज 19.5 से 24.5 आम तौर पे बच्चा अगर 20 से 24 लिख देगा तो मार्क्स कट जाएंगे ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं

अच्छे लगे होंगे एंड आई विश यू गुड लक ये बाइक में हेलमेट इसलिए नहीं पहना क्योंकि अभी बाइक रेस्ट पर है अगर बाइक चल रही होती तो बाइक में से धुआं निकल रहा होता तो अभी बाइक में से धुआं नहीं निकल रहा बाइक रोक कर आराम से बोल रहा हूँ गुड लक टू ऑल ऑफ यू टू डू वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स फिलहाल के लिए योर समीर सर इज ऑल जय माता दी